डिंडोरा पिटवा दो लाहौर में और कह दो बॉर्डर पार से एक पैगाम आया है। डिंडोरा पिटवा दो लाहौर में और कह दो बॉर्डर पार से एक पैगाम आया है, इस बार बदला लेने सिर्फ सेना ही नहीं पूरा हिंदुस्तान आया है। रोज रोज के बम धमाकों से बहुत दूर, बहुत पहले एक दुनिया बसती थी जहां ज्यादा तो कुछ नहीं था लेकिन वहां की खुशियां बड़ी सस्ती थी। कुछ झोपड़ियां थी तो कुछ मकान थे, हैवानों से ज्यादा उस दुनिया में अच्छे इंसान थे। सब लोग मिल बांट कर खाते थे और दिवाली और ईद वहां के लोग हमेशा संग मनाते थे, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते थे और उनके बच्चे भी एक ही तंग बड़े होते थे। आप सोच रहे होंगे इन मीठी मीठी बातों में मैं आखिर किस दुनिया का जिक्र कर रहा हूँ। बात शायद बहुत पुरानी हो गई है इसलिए मैं उसकी फिक्र कर रहा हूँ। क्या सिर्फ काल्पनिक है या सच में कोई ऐसी अमनो चैन वाली जगह है या फिर कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा या फिर कोई दरगाह है। अरे बहुत बड़ा हुआ करता था हमारा देश, न जाने कितनी ही जातियाँ थी और न जाने कितने ही थे भेष, लेकिन अखबार में एक दिन ऐसी खबर आई, साथ में वो अपने अपनों की जुदाई का पैगाम लाई। चुन लो एक एक मुल्क, उन लोगों को कहा गया, जुदाई कालांतर चारों तरफ छा गया, कोई उधर चला गया, कोई इधर आ गया, कोई पाकिस्तानी तो कोई हिंदुस्तानी कहला गया। चुन लिया लोगों ने मुल्क जिनके दिलों को भा गया। अरे कितना अच्छा लगता है ना सब सुनने में, एक लम्हा नहीं लगाता एक आजाद हिंदुस्तान का सपना बुनने में। कोई घर तो कोई कारोबार छोड़ाया तो कोई साथ में अपने अपनों की कुछ यादें ले आया। बिलखते बिलखते रोते थे लोग, अपनों को फिर से देखने का सपना देख सोते थे लोग, घर छिन गए थे सबके, अपने पराए हो गए थे, खुद के मकानों के भी अब किराए हो गए थे। गुलाम तो ये धरती भी जरूर थी, उन अंग्रेजों का हर आदेश मानने को मजबूर थी। ये अंग्रेज कौन थे जिन्होंने अपनों को अपनों से दूर किया, एक एक मुल्क चुन लेने को मजबूर किया। इन अंग्रेजों को तो हमने खुदा माना था लेकिन शायद इन अंग्रेजों ने कुछ और ही ठाना था। खैर अंग्रेज तो चले गए लेकिन इस देश को तोड़ गए, एक कांटे से हिंदुस्तान का रिश्ता हमेशा के लिए जोड़ गए। अब न ऐसी मोहब्बत है न ऐसी धरती है, अब माएँ भी अपना बच्चा सेना में भेजने से डरती हैं। और बहुत दर्द होता है मेरे सुनते हुए कि आज हमारे जवान कुछ बॉर्डर पर फिर से मारे गए या पेशावर के किसी स्कूल में एक आतंकी हमले में बच्चे सारे गए। मोहब्बत भी होगी उस पड़ोसी देश के लिए लेकिन नफरत भी काफ़ी बढ़ गई है। उस देश को जड़ से मिटाने की खुमारी जैसे मानो हमारे सर पर चढ़ गई है। हम 26/11 की बात करें या ले लें हम सरबजीत का किस्सा, पता ही नहीं चलता कब किधर हो जाता है कश्मीर का हिस्सा। 1971 की हो लड़ाई या फिर हो कारगिल का वो युद्ध, अरे कितनी ही तारीफ रचली इस पड़ोसी देश ने हमारे विरुद्ध। ये हमले उनकी तरफ से हमने बहुत सह लिए, अब हम बहुत चुप रह लिए। मैं जानता हूँ अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो बहुत गलत है लेकिन फिर भी चलता है। इस पड़ोसी देश पर आक्रमण करने का एक हक तो हमारा भी बनता है। तुम सब संदेशा मेरा एक दिल्ली तक पहुंचा दो, बचे कुछ आतंकवादियों को तुम लाल किले पर लटका दो, पूरे देश के युवाओं को तुम सीमा पर पहुंचा दो। दुश्मनी रखनी है उस देश से तो अच्छे से रखो, हथियारों के साथ साथ खूंखार जानवरों की भी फौज तैयार रखो। अब आंख उठे किसी की तो तुम वाक फोड़ दो, उस देश से सारे रिश्ते नाते तोड़ दो। बहुत कर ली इंसानियत की बात, अब तुम सब हैवान बन जाओ, तुम एक बार उन्हीं की तरह शैतान बन जाओ। तोड़ दो वाघा बॉर्डर का दरवाजा और टाप जाओ कश्मीर की वादियां, एक बार ये करके तो देखो अमर हो जाएंगी ऐसी कहानियां। मर मिटने को राजी हैं हम, एक बार जो गए तो लौट के ना आने को राजी हैं हम, न देखेंगे कौन है सामने, बस सबको मारते ही जाएंगे। हम भी एक बार उन्हीं की तरह खूंखार बन जाएंगे, फिर बचा सकता है उसे तो बचा ले तालिबान, हम उसे भी देख लेंगे जो कर छुप कर बैठता है चीन शैतान। उस धरती को हम खून से लाल कर देंगे, सबको 26/11 जैसा बेहाल कर देंगे, आसानी से नहीं हम उन्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे। ये रोज रोज के शहीद हुए सैनिकों की मौत का बदला उतारेंगे। एक तिरंगा तो दिल्ली में लहरा रहा होगा, एक तिरंगा तो दिल्ली में लहरा रहा होगा और बाकी इस्लामाबाद पेशावर पूरे पाकिस्तान में फहरा रहा होगा। मैं नहीं जानता कि क्या संदेश आएगा उस दिन के बाद लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि सब मेरे साथ गर्व से कहेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।